राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि सब एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करें। मीटिंग में ईटिंग भी हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन उसके बाद मीटिंग की भावना को ताक पर रखकर टीएमसी और शिवसेना आपस में उलझ गए। असल में दोनों पार्टियों के बीच विवाद इस बात को लेकर होने लगा कि राहुल गांधी को मीटिंग का आइडिया किसने दिया या कहां से मिला। टीएमसी का कहना है कि मीटिंग का आइडिया बंगाल से आया, लेकिन संजय राउत ने अपना दावा ठोकते हुए कहा कि आइडिया तो महाराष्ट्र से मिला है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों में कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ये आइडिया राहुल गांधी का अपना है। वजह यह है कि राहुल गांधी ऐसा कभी सोच सकते हैं इस बात पर भरोसा करने को कोई तैयार ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का जहां कहना है कि राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग का आइडिया बंगाल से आया, तो वहीं शिवसेना ने भी इस आइडिया पर दावा ठोकते हुए कहा कि राहुल को ये आइडिया महाराष्ट्र से आया। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी कुछ इसी स्टाइल में मीटिंग करती रही हैं। बंगाल में जीत के बाद वो लगातार केंद्र से टकराव के बीच जहां सत्ता पक्ष से मिल रही हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी लगातार मुलाकात कर 2024 की रणनीति पर काम कर रही हैं। शायद यही कारण है कि टीएमसी के सांसद राहुल की इस मीटिंग के आईडिए को बंगाल से जोड़ कर देखा जा रहा है। अगर शिवसेना की बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसी रणनीति पर चल रहे हैं। सीएम के साथ साथ पार्टी के सांसद संजय राउत भी लगातार ऐसी मीटिंग्स के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ तालमेल बैठाते रहे हैं। शायद यही कारण है कि संजय राउत राहुल गांधी की इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के आईडिया पर अपना हक जता गए। वहीं राहुल गांधी ने इस मीटिंग को एक नई शुरुआत बताते हुए कहा, न हमारे चेहरे जरूरी हैं, न हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। दरअसल राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग लगातार सुर्खियां बटोर रही है। राहुल के इस कदम को राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही नजर से देखा जा रहा है। विपक्ष में आने के बाद राहुल की ये एक ऐसी मीटिंग है जिसमें विपक्ष न सिर्फ एकजुट दिख रहा है बल्कि उनके नेतृत्व में इस बैठक में भाग भी लिया। इस मीटिंग में 17 पार्टियों को आमंत्रित किया गया था। मीटिंग में राजद, सपा, शिवसेना, टीएमसी समेत 14 पार्टियों के नेता पहुंचे। मीटिंग के बाद राहुल ने विपक्ष के नेताओं के साथ संसद तक साइकिल मार्च भी निकाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।